तो भिन्नता है, पाठशाला का हम बना रहे थे सात का दो। तो मित्रों देख रहे हैं इस सवाल को जो हम बनाने जा रहे थे, तो हम देखा कि ये सवाल बनाया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा दूं पहले, शायद आपका हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं बना दूंगा। ये रहा आपका पाठ 13 में, ये उदाहरण का ही आया हुआ है, पेज नंबर 195। ये देखिए ये जो है ना, इसके ऊपर ही दिया हुआ है, ये यही सवाल है ना, प्रयोग 26। ये सवाल है, वही सवाल है आया हुआ 2017 में, ये देखिए बनाया हुआ है, हालांकि 3 मार्क्स का है तो बड़ा सवाल है, पर ये सवाल आपका बना हुआ है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। पर चलिए, जब हमने कहा कि हम बना रहे हैं तो हम बना ही दे रहे हैं, क्योंकि मित्रों ये जो थोड़ा सा अड़चन होगा समझने में, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक सहज नज़रिया से, मेरी नज़रिया से हम सवाल को बना दे रहे हैं, तो शायद आपको पसंद आएगा जो मेरी नज़रिया है, तो चलिए दिखाते हैं इस अपने नज़रिया से। पर ये सवाल है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चलिए हम बनाते हैं। चूँकि ये 2017 का है, मेरे पास पेपर है उसमें छोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसी के लिखूँगा। ऐ देखिए सहज होगा, मैं आसानी से वीडियो बना पाऊँगा। चलिए तो इसे बनाते हैं, यहीं से देख कर बना दे रहा हूँ। ये रहा आपका सवाल मित्रों। अब ये जो सवाल है, इसमें एक में संबंध दिया रहता है एक भाग में, दूसरे भाग में मान दिया रहता है, और निकालना होता है। तो संबंध को जो है ना लिख कर रख लें, लिख कर जब हम करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है दिमाग में। चलिए मैं लिख रहा हूँ, किसी होटल में कुल खर्च का कुछ अंश स्थिरांक और कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेद युक्त हैं। यदि ठहरने वालों की संख्या 120 होने से खर्च 2000 और संख्या 100 होने से खर्च इतना रुपया, यदि खर्च इतना रुपया हो तो ठहरने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना सा लग रहा ना, दिमाग कैसे पकड़े, कहाँ पकड़े, इसलिए हम इसको लिख लेंगे तो सहज हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, 7 का 2, ये 2017 का है पेपर, 3 मार्क्स का है, 6 मिनट में बनाना है। चलिए कुल खर्च, होटल का कुल खर्च, हम कुल खर्च लिखते हैं, कुछ अंश स्थिरांक है, तो कुछ अंश कुल खर्च का कुछ अंश स्थिरांक और कुछ अंश होटल में रह, कुछ अंश और कुछ अंश, दो कुछ अंश है, इसको दो हिस्सा में बांटा गया है, कुछ अंश कुल खर्च का दो हिस्सा, कुछ अंश स्थिरांक है और कुछ अंश है होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेद। इसके बाद होटल में रहने वालों की संख्या, तो रहने वाले में लिख दे रहा हूँ, रहने वाले ये दिया हुआ है भैया। अब हम क्या करें, इसको मान भी सकते हैं, अभी ना माने इसको लिख लिख के बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा मान लें। खर्च अंग्रेजी में अगर हम कहें तो कॉस्ट, तो हम अंग्रेजी का सी लिख सकते हैं, ये कुल खर्च है क्योंकि यही कुल खर्च कुछ कुछ यहाँ है इसी का हिस्सा, एक का C1 दूसरे का C2 मान लिए। रहने वाले तो एक का हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं, चलिए हम एक्स मान लिए, हो गया ये है आपका, हमने मान लिया। कुल खर्च की जगह हम सी लिखेंगे, कुछ अंश के बदले C1, कुछ अंश C2 और आने वाले X। अब आगे क्या है जो बोला जा रहा है, हालांकि हम पहले मान बैठा लेते हैं, उसके बाद हम इनका संबंध को नीचे लिख देंगे। हाँ पहले मान बैठा ले, ठहरने वालों की संख्या 120, भैया ठहरने वाले संख्या है ना, 120 लिख देते हैं, 120 होने से खर्च 2000 रुपया, ये कुल खर्च है ना 2000 रुपया, ठीक है, और संख्या 100 होने से, रहने वाले की संख्या 100 होने से खर्च 1700 रुपया,
अगर 100 आना रह रहा है तो 1700 रुपया। अच्छा, यदि खर्च 1880 रुपया हो तो ठहरने वालों की संख्या ज्ञात करें। खर्च इधर है, 1880 हो तो रहने वालों की संख्या ज्ञात करें, ये पूछा गया है आपसे। तीज तमाम जो मान दिया था हमने, मान मिटा दिया, ये मान कर मान मिटा दिया, तो कुल खर्च भी लिख दिए, अंश कुछ अंश यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, रहने वालों की संख्या ये हमने लिख लिया है। अब हम इस संबंध को यहाँ लिखेंगे और संबंध के माध्यम से हम इसे बनाएंगे, है ना। जैसे कि आपने सरल और संयुक्त बनाया है, आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कुछ सवाल बना दिया है दो चार इसको समझने के लिए, और कोई बात हो तो आप बताइएगा, बना देंगे। चलिए, किसी होटल में कुल खर्च का कुछ अंश स्थिरांक, कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेद युक्त है। अब आराम से समझिए, किसी होटल में कुल खर्च का कुछ अंश स्थिरांक है और कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेद युक्त है ना। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ, अब आप अपना देख लीजिए, ये स्थिरांक बोला है और ये इसके साथ सरल भेद है। पर आप ये कुछ और देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, आप कुछ एक चीज़ और देख रहे हैं कि कुल खर्च भैया ये है सी, तो ये दोनों मिलाकर तो कुल खर्च हुआ है ना, कि कुछ अंश खर्च का कुछ अंश। तो ये प्रथम हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो, प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तृतीय सत्र जो तीन रहता था हम ऐसे लिखते हैं, पर हम अगर एक बार लिख दे रहा हूँ चलेगा, प्रश्न अनुसार या शर्त अनुसार। अब ये प्रथम शर्त अनुसार, यह प्रथम शर्त अनुसार क्या है, सी जो है ना बराबर इन दोनों को जोड़ने से होगा, क्योंकि कुछ अंश इसी का है। हो गया। अब आगे बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि कुल खर्च कुछ अंश स्थिरांक है, तो ये कुछ अंश स्थिरांक या स्थिरांक में लिख लीजिए, हम इसको द्वितीय शर्ता में समझ रहे हैं, लिख रहा हूँ, तो C1 बराबर स्थिरांक, तो है स्थिरांक हो गया। स्थिरांक का हम कोई मान मान लें तो भैया हम तो के ही मानेंगे ना, के हो गया, ये हो गया स्थिरांक C1 बराबर के। उसके बाद कहा गया स्थिरांक और कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के सरल भेद है। हाँ, तो ये जो है कुछ अंश इसके सरल भेद है, इसको दिखाना है, तो तृतीय में दिखा दिए, तृतीय में C2 सरल भेद एक्स हो गया। इसको थोड़ा सा हम बराबर मिला देते हैं, इससे C2 बराबर के एक्स, यहाँ पर K1 कर दूंगा, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं तो K1 कर देंगे। तो ये हो गया, ये द्वितीय, तृतीय और ये प्रथम, असल में इसका ही सवाल बनेगा। अब हम इनका मान, C1 का मान देखिए, हमको C1 का मान मिल गया है K, और C2 का मान क्या मिला है, C2 का मान K1X, इस मान को हम यहाँ बैठा दें, तो C1 का हो गया आपका K2, C2 का मान K1X हो गया। तो भैया जैसे ही आप ये रख दिए तो C बराबर ये निकल गया, और यही तो है, देखिए सी का मान कुल खर्च 1880, तो आपका एक्स का मान पूछा गया है ना, यहाँ पर आप 180 बचा देंगे, एक्स का मान मिटा देंगे, पर यहाँ पर आपका के और K1 का मान तो नहीं मालूम है, ये दो दो स्थिरांक हो गए हैं। अब तक आपने एक स्थिरांक का सवाल बनाया होगा, ये दो दो स्थिरांक हो गए हैं, के और K1, इन दोनों का मान अगर पता चल जाए तो आपका ये सवाल बन गया, है ना।
सी की जगह 1880 लिख देंगे और एक्स का मान तो निकालना ही है, रहने वालों की संख्या। मैं समझा सका? तो अभी हमारा काम क्या है भैया, के और के वन का मान निकालना है। और के वन का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो 2120 1700 100 इसी के सहारा से निकालेंगे। हाँ हालांकि दो समीकरण हो जाएगा। तो चलिए, वैसे तो आप बनाई हैं, आप विलोपन विधि क्लास 9 में, उसी का सहारा लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसका मान बैठा देते हैं। हाँ अब मान बैठाएंगे तो ये इनका मान धीरे धीरे निकल जाएगा। चलिए हम पहला में आते हैं, अतः लिख दे रहा हूँ, समझ गए ना? तो चलिए सी का मान कितना है, पहला वाला सी का मान 2000। तो भैया हम यहाँ पर 2000 लिख दे रहे हैं बराबर के के बदले में। तो हम यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं ना, आप कुछ लिख सकते हैं क्या के लिए? कुछ नहीं लिख सकते हम, तो के का हम के ही लिखेंगे। उसके बाद के टू का भी तो मान नहीं लिख सकते, के वन का भी, तो उसको भी हम उतार देंगे, के वन। हाँ एक्स का मान है 120, 120 लिख देंगे। वैसे आपका 120 के वन कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं है, हो गया। दूसरा वाला, अब ये दूसरा मान जो है 1700 और 100, फिर इसी पे बैठाएंगे, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। हम इसको ये कर देते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से काट देंगे। चलिए यहाँ पर सी का मान कितना आप बैठाएंगे, देख लेना, 1700, 1700 बैठा दीजिए, हो गया। अच्छा के का मान, के की जगह के लिखेंगे, के वन का के वन। अब एक्स की जगह यहाँ पर भैया जब 1700 था तो 100 था, 100 बिठा दीजिए, समीकरण 2 हो गया, हो गया। क्योंकि यहाँ पर के बराबर है, समान, ये भी समान है, प्लस में तो कट ही जाएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। हाँ तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, अभी कटेगा तो नहीं, 2000 से 17 से जाएगा तो भैया 300 हो गया, के से के कैंसिल हो गया, और इस के से के कैंसिल होगा, पर ये बच जाएगा आपका कितना, 120 से, ऐसे है कि 120 के वन है या फिर 100 के वन है ना? तो यहाँ पर आपका 120 के वन से 100 के वन जाएगा, तो बचेगा 20 के वन, हो गया। अब देखिए ये इस चीज़ को काट देते हैं हम लोग, काटने के बाद क्या भी चलेगा आपको, मैं इतना डिटेल में नहीं काट रहा हूँ। यहाँ देखिए 0 जो कट गया, 2 से काट देंगे 15, के वन बराबर 15, एक बार में लिख दे रहे हैं हम लोग, निकल गया ना के वन का मान। अब मेरा के वन का मान निकल गया भैया, खाली के का मान निकालना है। तो देखिए कहीं का रिश्ता लेकर के वन का इसी में से निकालते हैं, देखिए यहीं पर समझ लीजिए, के वन चाहे इसके साथ बिठा ले चाहे इसके साथ बिठा दीजिए, आपको निकल जाएगा, मन ही मन बैठाएंगे हम लोग। चलिए हम यहाँ से लेते हैं, के वन की जगह हम 15 बैठा दिए, तो कितना हो गया, 15 गुना 100, 1500 हो गया, 1500 हो गया ना। अब ये 1500 इधर चला जाएगा, तो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 1700 से 1500 जाएगा, तो 200 हो गया, के बराबर 200 हो गया, इसलिए के बराबर, तो भैया आपने निकाल लिया के वन का मान 15 और के का मान 200। यहाँ देखिए के का मान 200, के वन का मान 15 और सी का मान 1880, तो एक्स का मान कितना होगा, हो गया ना, बना दें आप, चलिए बहुत अच्छा। अतः या इसलिए अतः मैं बना देता हूँ, फाइनली सवाल आपका बन रहा है, सी बराबर के प्लस K1X। हाँ मान बैठा के चलते हैं आप सबका, सी का मान था आपका 1880 बराबर के का मान अभी अभी निकाला गया 200, के वन का मान 15 गुने कर देंगे, एक्स का मान निकालना है ना, ये 15 X हो गया था। चलिए फिर से, अभी 200 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1680, यहाँ हो जाएगा 15 X। हाँ 15 से काटते हैं इसे,
15 एक बजेगा, 15 कम 15 16 सही जाएगा, फिर 18 हो गया, तो 15 एकम 15 फिर हो जाएगा आपका 16 17 18 3 तो 30 15 19 30 112 x बराबर 112 1880 से 112 होगा, बन गया। तो आंसर जो आपसे पूछा गया था प्रश्न में, ठहरने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ठहरने वालों की संख्या बराबर 112। आप x बराबर 112 आंसर नहीं लिख सकते, ये तो हम लोग मान कर बनाए थे, है ना, इसलिए आप अपना ये आंसर जो है वही लिखना है, हो गया। देखिए मित्रों, वैसे तो ये भी आपको बड़ा ही है सवाल ही, ऐसा क्या करिएगा, पर मुझे उम्मीद है मैं समझा सका आप लोगों को। तो इस तरह से ये रहा आपका 17 का, आपका 17 का जो है, 17 का 4 भी हो गया, 7 का 1 हो गया। अब हम ये 16 का जो बाहर के स्टूडेंट के लिए है, बाहर आपका तो ओरल हो जाता है ना, जिन विद्यार्थियों का ओरल नहीं होता है, बड़े बुजुर्ग पढ़ते हैं उनके लिए है। तो ये 16 का एक इसको हम दिखा दे रहे हैं आपका, इसी के साथ ना, चलिए फिर इसको देखते हैं आप 16 का 1 भी।